हेलो माय फ्रेंड्स, आज का दिन में ग्रेवी मोमो बनाएगा। तो इसी मोमो को पहले ठंडा होने के बाद तेल हीट करके कढ़ाई में उसको फ्राई कर देना है। ब्राउन कलर जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं निकालना है। अच्छा तरह से ब्राउन कलर आने के बाद उसको निकाल देना है। इसके बाद तेल फिर से कढ़ाई में देके ऑनियन चॉपिंग वाला और गार्लिक जिंजर थोड़ा छोटे मार देने के बाद कैप्सिकम टोमेटो चॉपिंग वाला को भी डाल के इसमें अच्छा तरह से मिला देना है। अच्छा से उसको छोटा हो जाने के बाद इसमें अब डालेगा चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक डाल देने के बाद फ्रेश अमूल क्रीम फर्स्ट में भी डाल सकते हैं आप लोग, जो मन है आप लोग का फर्स्ट में भी डाल सकता है। इसमें टोमेटो सॉस और शेजवान सॉस, फिर टोमेटो सॉस भी डाल दिया है। ये अच्छा तरह से मिलाना है। फर्स्ट में भी डाल सकता है ऑनियन प्याज कैप्सिकम, ये चॉपिंग होने के टाइम में देने के टाइम में भी डाल सकता है। इसमें ऐड करेगा मसाला, नमक और रूट पाउडर और ब्लैक पेपर। फिर कलर देना से आप लोग थोड़ा सा देखने के लिए अच्छा देखने के लिए कलर भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में कॉर्नफ्लोर मोटा होने के लिए, ग्रेवी को मोटा होने के लिए देने के बाद ये फ्राई मोमो को प्लेट में सजा के इसके ऊपर में ग्रेवी को डाल देना है। गार्निशिंग के लिए सिजमी सेट और स्प्रिंग ऑनियन हरा धनिया भी ऐड कर सकता है।